पटना दिल्ली मुंबई राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं जाना होगा बिहार के आरा में पढ़ना होगा और आरा में इस तरीके का पढ़ाई होता है बीफार्मा डिफार्मा का इतनी सारी दवाइयां देखिए आपको देखने को मिलेगा ये दवाइयों का अंबार यहाँ पे लगा दिया गया है और ये दवाइयाँ जो है वो बताएगी कि भैया आखिर क्या है देखिए इतनी सुंदर दृश्य इतना बड़ा लैब ये तो बिहार के आरा में भैया चमत्कार हो गया ये बी फार्मा और डी फार्मा का लैब इतना बड़ा लैब जो है वो एक साथ जो है ये कई सारी इक्विपमेंट देखेगी कि कितने सारे इक्विपमेंट हैं ये डी फार्मा और बी फार्मा की पढ़ाई जो है वो बिहार के आरा में हो रही है और इतने सारे इक्विपमेंट के साथ इतने सारे जो है लैब के इक्विपमेंट के साथ आपको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगी ये कॉलेज जो है वो बिहार के आरा में है और ये लैब अभी एक एक गो लैब है ये क्या बोला सात लैब है मजाक तो नहीं कर रहे नहीं, नहीं आइए आप देख लीजिए सात लैब वाला कॉलेज है एक नहीं ये दूसरा लैब देखिए ये रूम ना। जिनका नामांकन का भी समय इसमें पंद्रह तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट आया हुआ है माका रोटी खाएंगे दाल रोटी और यहीं पढ़ेंगे यहाँ के बच्चे हेल्थ डिपार्टमेंट से सीधे जुड़ जाएंगे यानी दवा की दुकान जब खोलनी होगी तो इसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी डी फार्मा की जब वो पैथोलॉजिकल लैब खोल इनकम है दवाई के दुकान में रेट जो है तेईस तो सताइस लिखा आपने तेईस तो सताइस से है यानी कि बैक डेट से भी हो रहा है यह लैब ऐसा होता है जो पौधे से दवा को कैसे हम निकालते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं उसका सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है फिर इसके बाद में ए पी एच ई का लैब होता है हमारे यहाँ जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है क्यों क्यों लोग जानता है केवल डॉक्टर को और नर्स को लेकिन बात बीच की है दवा है दवा नहीं है तो बिना दवा के डॉक्टर नहीं।, नहीं नहीं है अगर हम पैरासीटामोल हटा ले तो डॉक्टर साहब क्या कर लेंगे आला लेकर क्या कर लेंगे हम हम तो पैरासीटामोल देंगे तब ना तो पैरासीटामोल के बारे में हम बताते हैं डॉक्टर को हम बताते हैं कि पैरासीटामोल क्या है नीट एंड क्लीन है और यहाँ से जो है वो पढ़ाई होगी और ये भैया इतिहास है ये आरा में जो है ना ये बन गया जो ये हम लोग सोच रहे थे कि भैया अभी तक आरा में ऐसा जो है कॉलेज अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था और ये आरा ही नहीं पूरे शाहबाद में जो है ये जबरदस्त क्वेरी है जो पीसीआई का जो मानक है उसके अनुरूप में है ये और जो भी बच्चे आएंगे पीसीआई के मानक के अनुरूप में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है बच्चों की गुणवत्ता को दवा के रूप में कैसे कैसे इन्वेंशन करना है वो सारी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी किडनी हो गया आपका देखिए किडनी हो गया ये आपका ब्रेन हो गया ये सब सारा कुछ आपके यहाँ रखा हुआ है जो है वो हम जानवर को कहाँ रखेंगे जानवर को रखने के लिए हमारा एनिमल केस हो गया नंबर चार ये जो लैब है ये फार्मा कोगुनोसी का लैब है ठीक है ये सारे ऑथर्स के बुक हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर लाइब्रेरियन है बच्चों के लिए देखिए बच्चों के लिए कितना अच्छा डेस्क बनाया हुआ है सेपरेट बच्चा को पढ़ने के लिए कहीं भी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। बी फार्मा करेंगे कितने साल का कोर्स डी फार्मा कितने साल का कोर्स और बी फार्मा करके क्या बनेंगे डी फार्मा करके क्या बनेंगे? बी फार्मा डी फार्मा क्या है बताइए फीस कितना है हमारा फी... बिहार के आरा में है और जो तस्वीर दिखाएंगे उस तस्वीर को आप देखिएगा तो आप कहिएगा कि भैया बिहार के आरा में और पूरे शहाबाद के लड़कों के लिए एक सुनहरा मौका आ गया है जी हाँ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भैया सिद्धनाथ मीरा कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन कुलहरिया भोजपुर आरा जी हाँ अभी हम जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं ये पूरे बिहार के लिए इतिहास बनने जा रहा है बिहार में जिस तरीके से इसकी अब पैर रखा है इन्होंने और जिस तरीके से बिहार के आरा में कॉलेज खुल गया है पूरे शाहबाद के लड़कों के लिए एक सुनहरा मौका आ गया हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भैया आप लोग डॉक्टर और इंजीनियर खूब सुने होंगे बिहार में और आई कंपटीशन के लिए यूपीएससी निकालते हुए बच्चों को आपने खूब देखा होगा लेकिन बी फार्मा और डी फार्मा का नाम सुनकर आप सोचते होंगे कि भैया इसका एडमिशन कहाँ लें और कैसे दवाई का दुकान खोले कैसे मेडिकल फील्ड में जाए तो ये मेडिकल फील्ड में जाके कैसे दवाइयों का रिसर्च करें ये सारी कुछ होती है और यहाँ पे ये बिहार के आरा के कुल्हरिया में खुल चुका है और ख़ास बात क्या है और कितने इसमें लैब हैं किस तरीके से पढ़ाई होगा और किस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी ये सारी कुछ बात करने के लिए हम लोग आ चुके हैं इसी कैंपस में इसी कॉलेज के कैंपस में और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा दें कि धरीक्षण सिंह ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी है तो ये धरीक्षण सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के ही बगल में जस्ट ये कॉलेज जो है ये खुला हुआ है और इस कॉलेज का अब हम अंदर का जो है वो सारी कुछ दिखाएंगे बाकी उसके पहले हम बात करते हैं इसके जो संस्थापक हैं जो इसके हेड हैं इनके जो बॉस हैं उनसे हम बात करते हैं कैसे है सर यह कॉलेज अभी भोजपुर शाहबाद में सबसे पहला कॉलेज खुला हुआ है जो कि हमारा अपना उद्देश्य था कि ऐसा हम कोर्स लाए कि जो कि यहाँ के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हो तो जिनका नामांकन का भी समय इसमें पंद्रह तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट आया हुआ है बच्चे लोग आकर यहाँ अपना कर, 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 सर कर, सवाल ये है कि ये सिद्धनाथ मीरा कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन कुलहरिया जो है पीसीआई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हाँ। एवं बिहार स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय हाँ। पटना से संबंधित।, संबंधित इसका मतलब क्या होता है ये इसका सबसे पहले पीसीआई दिल्ली से मान्यता मिलता है उसके बाद आपको बिहार विश्वविद्यालय पटना से हेल्थ विभाग से मिला हाँ तो उसमें नामांकन के लिए अपने लोग यहाँ पर आवे मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है मैं एस एम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ देखिए जो हमारा कॉलेज है कॉलेज में जो बेहतर सुविधाएं हैं कॉलेज द्वारा दी जाती हैं वो तो आपको डीआरसीसी से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा बच्चों की सुविधा जो कि गरीब बच्चे भी पढ़ गरीब सकते बच्चे पढ़ सकते हैं उनके है। पास पैसा नहीं है घर में पैसा नहीं वो भी आके यहाँ पढ़े एकदम एकदम और इसके बाद में स्कॉलरशिप भी मिल सकता है स्कॉलरशिप जैसे बिहार गवर्नमेंट देती है बच्चों को स्कॉलरशिप देगी और आप जब भी फार्मासदम पी सी आई चीजें इसमें मिल सकती है पीसीआई फार्मेसी उंसिल ऑफ इंडिया और बिहार यूनिवर्सिटी डरने की बिल्कुल पचीस महीना शुरू हो जाएगा आपको यार नौकरी और प्लेसमेंट की गारंटी भी ये कॉलेज ले रही है पहली फार्मेसी कॉलेज ऐसा जो की डायरेक्ट प्लेसमेंट की बात करती है और प्लेसमेंट दिला के रहेगी एकदम रहेगी टंके की चोट पे टंका की चोट पे तो हम आपको कॉलेज दिखाएंगे और कॉलेज के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर सारी चीजें दिखाएंगे पहले ये सारा चीज समझ लीजिए कि भैया जब हम यहाँ आए हैं तो एक एक चीज समझाए क्योंकि ये जो है ना ये आने वाले भविष्य को तय करेगा खासकर बिहार और भोजपुर के बच्चे शाहबाद के बच्चे जो है वो कहीं और दूर नहीं जाएंगे माँ का रोटी खाएंगे दाल रोटी और यहीं पढ़ेंगे यहीं आरा में पढ़ेंगे आइए बात करते हैं प्रिंसिपल से कि आखिर किस तरीके से ये सारी चीजें जो है हो रही है और प्रिंसिपल सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है और धन्यवाद और यह सिद्धनाथ मीरा कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन जो है वह इस क्षेत्र के लिए एक रौनक की बात ही नहीं है एक भविष्य बच्चों के भविष्य के लिए एक सबसे उनके लिए एक उज्ज्वल कामना है यह इंस्टीट्यूशन एसएम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन यह बिहार के लिए तो एक चुनौतीपूर्ण नहीं है लेकिन भोजपुर रोहतास शाहबाद के लिए एक चुनौतीपूर्ण है जहां के बच्चे हेल्थ डिपार्टमेंट से सीधे जुड़ जाएंगे यानी दवा की दुकान जब खोलनी होगी तो इसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी डी फार्मा की जब वो पैथोलॉजिकल लैब खोल इनकम है दवाई के दुकान में रेल के कमाई देखिए भैया इलाज जो है ना वो कभी नहीं रुकता है ये शोध में है कि पढ़ाई लिखाई दवाई ये कभी ना खत्म हुई और वह पढ़ाई लिखाई

तो भैया दवाई का दुकान और कई सारे जो है आप काम जो है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एडमिशन जो है इसी डेट तक होगा लास्ट डेट तो समझ लीजिए कि ये लास्ट डेट है सबसे बड़ी खासियत है कि गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर फीस इतनी कम तो कर दी गई नहीं ये लास्ट बताएंगे इसके लिए इंतजार करिए आप पहले ये बताइए कि ये जो है ये कॉलेज में क्या कुछ है चले कॉलेज दिखाते हैं और आपको देखिए भैया ये बिल्डिंग इतिहास बनेगा ये बिल्डिंग उन बच्चों को खड़ा करेगा जो बच्चे हमारी और आपकी जान बचाएंगे ये बिल्डिंग गौर से देख लीजिए इस बिल्डिंग को आप जब देखिएगा तो कहिएगा कि यहाँ के बच्चे आरा के बच्चे अब हमारी और आपकी जान बचाएंगे और कैसे बचाएंगे कि ये मेन गेट है और इसी गेट से जो है वो एंट्री होगी यहाँ पे और इस कॉलेज के अंदर जो है आप प्रवेश करिएगा और इस कॉलेज के अंदर जब प्रवेश करिएगा तो देखिए किस तरीके से माहौल है प्रिंसिपल का यहाँ पे आपको चेंबर दिखेगा काउंटर नंबर वन काउंटर नंबर दो ये जो है आपका जो भी पैसा जो होता है कलेक्टिंग जो होता है वो होगा एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस यहाँ पे है और ये सारे ऑफिस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं अब हम आपको दिखाते हैं इस कैंपस के अंदर की कहानी आइए बात करते हैं एक और टीचर साथ है, क्या नाम है आपका मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ का बिल्कुल अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइए कि यहाँ पे कितने क्लासरूम है यहाँ जैसे कि बी फार्मा डी फार्मा के लिए जितने क्लासेस होनी चाहिए वैसे हमारे पास क्लासेस सफिशियंट क्लासेस हैं ठीक है और सात क्लासेस हैं हमारे पास और हमारे पास बहुत आधुनिक तरीके से लैब बनाए गए हैं जो मॉडलर लैब है हमारे पास जितने इंस्ट्रूमेंट हैं चेक करने वाले तो वो सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जो सात लैब है वो अलग अलग जैसे कि हमारे फार्मेसी फील्ड में जैसे लैब होता है फार्माकोग्नोसी होता है यह लैब ऐसा होता है जो पौधे से दमाकू कैसे हम निकालते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं उसका सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है फिर इसके बाद में ए पी एच ई का लैब होता है हमारे यहाँ जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है तो ये जो है वो लैब है और ये देखिए ये Classroom. ये classroom है हमारा इतना इस एक क्लासरूम एक का साठ स्ट्रेंथ है मेरे पास साठ सीट है एक बैच में साठ सीट है साठ बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं रखी गई है बिल्कुल तो साठ बच्चों के लिए सुविधाएं जो है वो रखी गई है और क्लासरूम भी देखिए कितना नीट एंड क्लीन है और यहाँ से जो है वो पढ़ाई होगी और ये भैया इतिहास है ये आरा में जो है ना ये बन गया जो ये हम लोग सोच रहे थे कि भैया अभी तक आ रहा ऐसा जो है कॉलेज अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था और ये आ रहा ही नहीं पूरे साहबाद में जो है ये जबरदस्त तरीके से अरे हम लोग इस कोर्स को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर गए हैं भोपाल पढ़ने के लिए जो कि अपने घर में ये हो रहा है बिल्कुल अब दिल्ली मुंबई और पटना और राजधानी पटना दिल्ली मुंबई राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं जाना होगा बिहार के आरा में पढ़ना होगा और आरा में इस तरीके का पढ़ाई होता है बिफर मटिफर फर्मा का ये म्यूजियम हुआ जहाँ पर दवा के बारे में बताए जाते हैं दिखाए जाते हैं कई प्रकार की दवाएं रहती हैं, दवाएं रखी गई हैं बच्चे आएंगे बच्चे देखेंगे कौन कौन सी कंपनी की दवा होती है कैसे बी फार्मा वाले बच्चे जो हैं वह दवा बनाने के संबंध में बात करेंगे दिखाते हैं तो देखिए ये सारी चीज जो है जो इतनी सारी दवाइयां देखिए आपको देखने को मिलेगा ये दवाइयों का अंबार यहाँ पे लगा दिया गया है और ये दवाइयां जो है वो बताएगी कि भैया आखिर क्या है जैसे कि ये देखिए ऑनलाइन सेंट्रॉन है जैसे कि हम उल्टी की दवा देते हैं तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, तो इसमें जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहता है डेट ऑफ एक्सपायरी लिखे रहते हैं फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं इसके बारे में इस म्यूजियम से बच्चों को हम सिखाते हैं कि इस तरह से जैसे कि ये ये कैप्सूल हमारा हुआ ये कैप्सूल में किस तरह का पैकिंग किस तरह का पैकिंग किया हुआ है कैसे इसको पैकिंग करें इस पैकिंग को क्या कहते हैं ये सब सारा कुछ हम लोग बच्चों को बताते हैं

के साथ इतने सारे जो है लैब के इक्विपमेंट के साथ आपको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगी ये कॉलेज जो है वो बिहार के आरा में है और ये, ये एक 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 मजाक तो नहीं लीजिए सात लैब वाला कॉलेज है एक नहीं, नहीं आप देख ये दूसरा लैब देखिए ये रूम नंबर दो और ये दूसरा लैब और इतना बड़ा बड़ा लैब है बड़ा बड़ा इतनी बड़ी है सारी जितनी भी इस क्वेरी है जो पीसीआई का जो मानक है उसके अनुरूप में है ये और जो भी बच्चे आएंगे पीसीआई के मानक के अनुरूप में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है बच्चों की गुणवत्ता को दवा के रूप में कैसे कैसे इन्वेंशन करना है वो सारी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी बच्चों को बिल्कुल ये जो है ना ये सरप्राइजिंग है कि एक लैब नहीं साथ, साथ जो हमारे यहाँ इक्विपमेंट है ऑटोक्लेविंग है जो कि जो ये इक्विपमेंट है जो आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे कोई भी हम इंजेक्शन हो चाहे किसी चीज़ को हम जब एक्स्ट्रलाइज करते हैं तो हमारा ऑटोक्लेव है ये तो ऑटोक्लेव क्लेब्स हम लोग तो ये जितने जैसे कि हमारे यहाँ जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए स्पेशल स्पेशल लैब है जैसे कि ये हमारा हमारा जो ये लैब है ये हमारा फार्माकोग्नोसी लैब है जिसमें कि हम लोग फार्माकोग्नोसी का जितने भी ड्रग्स होते हैं उसका टेस्ट करते हैं सर ये ये वट इज ये, ये स्ट्रेयर है जैसे कि कोई चीज़ हमें केमिकल हो गया और केमिकल को लेकर मिलाना हो तो हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं तो पूरा घुमा करके उसको मिलाता है हाँ, ये, ये ये, हमारा हॉट एयर ओवन है ये क्या होगा अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं बनाने के बाद में उसको देखते हैं कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंशन करने के लिए ये हमारा ऑटोक्लेव होता है स्टलाइजेशन के लिए होते हैं ठीक है ना ये ये सर होता है एक्वेटिक कंटेंट है ये इसमें क्या है कोई चीज़ को हम इसमें रखते हैं सर अगर हीटिंग करके उसको स्टेलाइज करना है उसको बहुत देर तक रखना होगा तो हम इस इक्विपमेंट पे रख सकते हैं लैब की जो है वो बारीकियों को भी हम समझ रहे हैं आपके लिए और उसके बाद हम लैब का ये ये क्या है? वो ये क्या है इज दिस सर ही बड़ा रूप है ठीक है ना हाँ। छोटा बड़ा सब आप लोगों ने रखा है तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हैं और और वो गर्ल्स टॉयलेट है उधर साइड में गर्ल्स टॉयलेट है और बॉयज टॉयलेट सब अलग अलग रखा है सर आपने तो गर्ल्स टॉयलेट भी है बॉयज टॉयलेट भी है और इतने सारी चीजें जो है एक साथ इस कॉलेज में मिलेगा ये 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 ग्राउंड फ्लोर था ये फर्स्ट फ्लोर हो गया सर ये फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है हाँ चलिए आपको जो हमारा जो लैब है ये हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लैब है जैसे कि ये हमारा लैब है इसलिए ए पी लैब नंबर तीन हाँ ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन ये फार्मेसी का सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट बोलते हैं क्यों क्योंकि इसके बारे में हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ते हैं हमारे बॉडी कैसे काम करता है ये सब जितने भी हैं हम बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं और देखिए जैसे कि हम क्या है कि ये हो गया इसके बाद में एक फार्माकोलॉजी लैब होता है ठीक है ना तो जो हमारे ये माइक्रोस्कोप है गए तो हम जैसे सेल का स्टडी कर रहे हैं कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं जो ये लैब है इसमें फार्माकोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है जैसे कि हमारा ये ऑर्गेन बात हो गया ठीक है न ऑटो फोटोमीटर ऑटोफोटोमीटर ये फोटोमीटर है जैसे कि हम किसी चीज़ की दवा की गुणवत्ता को जांच करना हो तो इस इक्विपमेंट से हम जाँच कर सकते हैं चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ये लैब नंबर तीन था लैब नंबर चार वो सारे लैब जो है वो अलग 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 है सारे सब्जेक्ट का अलग अलग लैब है जैसे कि हमारा देखिए डमी है, है इससे हम बच्चों को अपने जैसे कि हमारा हार्ट कहाँ है लंग्स कहाँ है ये सब सारा कुछ हम बच्चों को अपने दिखा सकते हैं ठीक है इसके बाद देखिए जैसे कि ये हमारा हो गया आई हो गया आई का डमी है जैसे कि हम आई बच्चों को बता सकते हैं कि हमारा आई कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज और पूरा ऑर्गन जो है वो यहाँ पे आ, दिखेगा आपको आ, जैसे कि ये किडनी हो गया आपका देखिए किडनी हो गया ये आपका ब्रेन हो गया ये सब सारा कुछ आपके यहाँ रखा हुआ है चीज जो है वो समझाया जाएगा एकदम जी तो ये माने ये ये जो है ना हम आपको दिखा रहे हैं हम खुद पहली बार दिख रहे हैं और जिस तरीके से क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल इंजीनियर फील्ड से हम आते हैं तो इस तरीके का जो है मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो हम लोगों को नहीं देखने को मिली है लेकिन हम जब देख रहे हैं तो भैया ये ये एनिमल केस हो गया जैसे कि जिस जिस जानवर पर हम रिसर्च जैसे कि कोई दवा की एफिकेसी देखना हो तो हम जानवर को कहाँ रखेंगे जानवर को रखने के लिए ये एनिमल केस हो गया इसमें बच, जैसे चूहा को हम ले लिए तो चूहा को इसमें रखेंगे आज तक ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा जो हम आपको बिहार के आरा के इस कॉलेज में दिखा रहे हैं और ये कॉलेज चंबित मत हुईगा कि भैया उत्तर प्रदेश और दिल्ली में है और मुंबई में है ये बिहार में है और बिहार के आरा में है अगर एडमिशन कराना है तो कितने तारीख तक कराना है और कितना फीस होगा इस कॉलेज का वो भी हम जल्द बताएंगे वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये खास इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दिखाइए और ये बी फार्मा का जो है ये लैब है और वार्ड ये रूम नंबर चार है हाँ ये जो लैब है ये फार्माकोगोनोसी का लैब है जैसे कि ये जो हमारे इक्विपमेंट है इक्विपमेंट है जैसे कि इसमें देखिए ये हमारा माइक्रोस्कोप हो गया ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया हम क्या करते हैं जो हमारा प्लांट्स होता है प्लांट्स के बारे में स्टडी करने के लिए ये हमें बहुत हेल्पफुल करता है ठीक है उसी तरह से आइए यहाँ दिखाते हैं जैसे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में जब कोविड आया तो तुलसी का डिमांड बढ़ गया सब लोग तुलसी सत पीना शुरू कर दिया तो हम लोग तुलसी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कौन कौन सा केमिकल्स होता है ये सब सारा स्टडी हम उसका उसमें कैसे कौन सा केमिकल पाया जाता है हम उसका टेस्टिंग करके इस लैब से हम अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बच्चों को दिखा सकते हैं ये सब पाइपलाइन है गैस का पाइपलाइन है जैसे कि हमें कहीं होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको हीट करना पड़ता है तो हम यहाँ क्या करते हैं बूशिंग बर्नर है इसको बोलते हैं इससे क्या करेंगे कि हम इसको जला करके उसको हम कुछ गर्म कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर जगह की बात करें जैसे हमने भी पढ़ा है तो वहाँ से और यहाँ में मैं देखा कि बिहार में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैं भी फार्मेसी फील्ड से हूँ मैं पढ़ा हूँ इंडस्ट्री में वर्क किया हूँ फिर जाकर कहीं और टीचिंग किया हूँ तो वहाँ के कंपेटिवली ये बहुत बेहतर है और वो भी घर घर में है बिहार के आरा में वो भी घर में है हम सबसे पहले सर को शुक्रिया करेंगे कि हम यहाँ से हम आरा के रहने वाले हैं और हम जाकर के दूर का जॉब कर रहे थे लेकिन अपने घर पे ये सब सारा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप ये सब हमारे ग्लास वेयर्स हैं जैसे मेजरिंग सिलेंडर हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया बहुत सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं सफिशियंट इक्विपमेंट्स हैं बच्चों को प्रयोगिक कार्यक्रम लिए हमारे पास कमी नहीं है सारा इक्विपमेंट हमारे पास है और यहाँ पे दिखा दे कि ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी बैनर लगा हुआ है इधर जो है गर्ल्स टॉयलेट है और यहाँ पे जो है सारी सुविधाएं जो है वो आपको मिलेगी साफ सुथरी क्लीन सुविधाएं जो है वो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है नया जो है अभी ये जो कॉलेज जो है वो डेवलप करके बना है और इस तरीके से देखिए उधर जो है वो सारे क्लासरूम रूम है और वो सारे क्लासरूम में जो है वो पढ़ाइया होगी तो एक एक क्लासरूम दिखाएंगे तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा बाकी आप समझ सकते हैं कि जो है इस तरीके का जो है वो चारों तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा चलिए हम आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं और उसके बाद लास्ट में जो है वो हम आपको दिखाएंगे देखिए गर्ल्स कॉमन रूम इस गर्ल्स कॉमन रूम में जो है गर्ल्स आके गर्ल्स आकर के अपना गेम खेल सकती है कुछ भी कर सकती है सारी सुविधाएं आप लोग सुविधाएं आपको मैं बोल रहा हूं कि ऐसी सुविधाएं बहुत कम कॉलेज जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहां मिलती है बहुत मतलब कि आप कुछ काट नहीं सकते जो हमारे पास हर सुविधा रखा हुआ है ठीक ठीक है लैब से लेकर के ए टू जेड हम लोगों ने ये सोच करके और पढ़ाई की गुणवत्ता की बात नहीं करनी है हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं सारे बाहर के टीचर्स हैं और सारे मतलब कि कोई नाइपर से किया हुआ है कोई नाइपर से एम फॉर्म किया हुआ है पीएचडी किया हुआ है इस तरह के हमारे पास फैकल्टी भी हैं क्लासरूम है और क्लासरूम का स्पेस देखिए कितना अच्छा स्पेस है और नीचे देखिए टाइल्स मार्बल जो है वो पूरा मारा हुआ है और बेंच देखिए बेंच जो है वो है और यहाँ पे पढ़ाने का देखिए पढ़ाई भी हो रही होगी जो कि पढ़ाई हुई है और पढ़ाई के बाद जो है वो यहाँ पे बच्चे जो है अभी नहीं है और अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्लासरूम की स्थिति देखिए भैया इतने सारे लैब हैं कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि आप किस में जाए और किस में आप पढ़ाई करें और किस में क्या करें अब सर बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा लैब है और इसमें क्या पढ़ाई अच्छा ये बताइए आप इंजीनियरिंग फील्ड के हैं ये बात आप कि अच्छा ये दवा में कंप्यूटर इस के इसलिए वही तो हम कंफ्यूजन में कि भैया ये दवाई का जो है पढ़ाई होगा ये कंप्यूटर लैब क्या कर रहा है यहाँ पे आपके बीच में हाँ, ये तो कन्फ्यूजन पैदा कर दिया अर, अरे सर जो भी हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर एड ड्रग डिजाइनिंग ड्रग का डिजाइन करेंगे हम ड्रग में कोई भी मोलिक्स को कैसे जोड़ेंगे ये सब सारा कुछ बच्चों को सिखाना होता है ना तो ये सब सिखाते हैं भाई कंप्यूटर हाँ, तो हम लोग को कंप्यूटर का भी जानकारी होता है हम लोग हाइब्रिड इंजीनियर और डॉक्टर हैं दोनों है एकदम एकदम तो समझ सकते हैं कि हाइब्रिड का क्या, क्या क्वालिटी होता है हाँ, ये हमारा लाइब्रेरी है ठीक है यहाँ पे जितने भी ऑथर्स के बुक जो स्टैंडर्ड ऑथर के बुक है ये सारे स्टैंडर्ड ऑथर के बुक हमारे पास अवेलेबल है ठीक है ये सारे ऑथर्स के बुक हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर लाइब्रेरियन है बच्चों के लिए देखिए बच्चों के लिए कितना अच्छा डेस्क बनाया हुआ है सेपरेट बच्चा को पढ़ने के लिए कहीं भी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो हमारे पास सारा कुछ फैसिलिटी उपलब्ध है किस तरीके से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और कितना फीस है और लास्ट में सर जाते जाते एक सवाल है बी फार्मा जल्दी जल्दी बताइएगा बी फार्मा करेंगे कितने साल का कोर्स डी फार्मा कितने साल का कोर्स और बी फार्मा करके क्या बनेंगे डी फार्मा बन करके क्या बनेंगे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि भैया ये फार्मा हो का हम तो इंजीनियरिंग कोई ले बी बी ए बी एड कोई ले तो टीचर बनम इंजीनियरिंग करम तो इंजीनियरिंग इंजीनियर बनम मेडिकल करम मैंने मेडिकल ऊपर वाला मेडिकल जनरल वाला तो हम डॉक्टर बनो ये बी फार्मा डी फार्मा क्या है बताइए देखिए ये आपका जो क्वेश्चन हुआ ये बहुत अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मैं सुनने के लिए कब से मैं ये इंतजार कर रहा था यस हम, हम अपने दर्शकों को भी इंतजार करा रहे थे उन बच्चों को भी इंतजार करा रहे थे कि आपको पूरा वीडियो कब मिलेगा जानकारी जब आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और ये जानकारी जो है ना वो कितने परिवारों का जो है ना घर बसा देगी यस लाखों कमाएंगे करोड़ों कमाएंगे बच्चे बताइए यस यस ये सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ जो बी फार्मा है बी फार्मा चार साल का कोर्स है और जो डी फार्मा है डिप्लोमा इन फार्मेसी ये दो साल का कोर्स है बी फार्मा मतलब बैचलर इन फार्मेसी हुआ डी फार्मा मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी हुआ पहले मैं डिप्लोमा के लिए बता दे रहा हूँ डिप्लोमा जो है ये आई के बाद में चाहे वो मैथ हो बायो हो या मैथ बायो दोनों हो ये सारे साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं अगर ये दो साल के कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो पहला नंबर की दवा की दुकान खोल सकते हैं दवाई की दुकान दुकान खुल जाएगा एकदम आप रजिस्टर जाएगा। हाँ, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए दवा का बिजनेस तो कर सकते, एक सकते हैं एकदम कर सकते हैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है होलसेल रिटेल आप खोल सकते हैं दवा की दुकान इसके बाद में सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं जैसे कि आपकी सैलरी कम से कम 40 से पचास हजार शुरू होती है पचास हजार के नौकरी लेवे के बाद तो जा आ जाए के बा लाखों रुपए कमाए के बा दवाई तो के दुकान खोल के तोजा आ जाए के बा जी जी अब इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ बी फार्मा के बारे में बी फार्मा आप आई के साथ आई में मैथ बायो हो या मैथ बायो दोनों हो कोई भी कर सकता है जो मैथ पढ़ता है बायो पढ़ता है या मैथ बायो बी फार्मा करके क्या कर सकता है पहला नंबर बी फार्मा चार साल का कोर्स है बैचलर इन फार्मेसी इसमें क्या अंतर होगा मैंने डी फार्मा और बी फार्म चार साल का है ये दो साल का है तो चार साल में क्या वो अधिक जो है वो पा सकता है हाँ पहला नंबर की आप आप तो देख लीजिए दवा की दुकान खोल सकते ये भी दवा की दुकान खोल सकते हैं चार साल के बाद में ये भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे ठीक है और क्या होगा कि ये दवा की दुकान खोलेंगे ही खोलेंगे वो गैर सरकारी और गैर सरकारी नौकरी करेंगे फार्मासिस्ट के तौर पे और साथ साथ में जैसे कि क्लिनिकल कोडिंग कर सकते हैं आईटी सेक्टर में जा कर के और इसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं इसके बाद में वो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं आप जैसे क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं इसके बाद में मार्केटिंग फार्मा मार्केटिंग कर सकते हैं दवा की बेचना दवा की दुकान दवा के, दु... के मतलब मतलब कि फील्ड में कोई भी काम मास्टर हो सकता है सर मैं आपको बताना चाहूंगा दवा नहीं। नहीं, मतलब नहीं समझ पाता है क्यों क्यों लोग जानता है की वो डॉक्टर को और नर्स को लेकिन बात बीच की है दवा है दवा नहीं है तो दवा के नहीं है अगर हम पैरासिटामोल हटा ले तो डॉक्टर साहब क्या कर लेंगे आला लेकर क्या कर लेंगे हम हम तो देंगे तब ना तो मूल के बारे में हम और दो साल बना? दो अस्सी इंटू टू जो कि इतना रिजनेबल प्राइस आपको बिहार में कहीं नहीं मिलेगी तो देखिए भैया अब समझ लिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है बाकी माहौल आपको दिखा दिए हमने और अब आप डिसाइड कीजिए कि भैया जो डॉक्टर आला लेके चलते हैं नर्स जो है वो कंपाउंड जो कंपाउंडर जो है वो काम करते हैं सेवा करते हैं और उपचार करते हैं उसके बीच की कड़ी जो है वो पहलू जो है वो हम खोल रहे थे क्यों क्योंकि ये पहलू जो है यही आपको जो है मेन जो है ना कहा जाता है ना कि संजीवनी बूटी तो लाए थे भगवान हनुमान किसके लिए लक्ष्मण के लिए लेकिन जब समझनीय बूटी नहीं रहता तो लक्ष्मण बचते कैसे वैसे ही जब दवाई नहीं रहेगा तो इलाज कैसे होगा तो वही जो है दवा का जो है स्वरूप ये कॉलेज आपको देगा मतलब जो दवा बनाएंगे भी जो दवा बेचेंगे भी और जो है मेडिकल के हर एक फील्ड में जा सकते हैं वो फैक्ट्री पैदा कर रही है फैक्ट्री पढ़ाई वाली फैक्ट्री आइए जुड़िए और कुछ भी अपडेट लेना हो इंक्वायरी लेना है नीचे नंबर स्लैश जो है वो हो रहा है आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए 15 फरवरी 2024 तक जो है पिछले सेशन का भी जो है वो एडमिशन हो जाएगा और 25 में जो है आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक साल का बेनिफिट भी मिल जाएगा इनडायरेक्टली हम आपको ये बता दे रहे हैं जय हिंद जय भारत आप देख रहे थे आशा एक भारत खबर में इतना ही आप की राय क्या है प्रतिक्रिया क्या है क्या छूटा है क्या जानकारी लेना है ज़रूर बताइएगा बाकी ये कॉलेज जो है आरा के कुल्हरिया के पास है सकरडी से थोड़ा सा आगे आइएगा कुल्हड़िया मोर के पास तिनमुहान के पास वहाँ आप किसी से भी पूछिएगा वो धरिचन सिंह बीएड कॉलेज के जस्ट बगल में है किसी से पूछेगा कोई भी बता देगा धन्यवाद